आदिवासियों के मुद्दों को लेकर, उन पर लगातार बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर सीएम हाउस के घेराव करने निकले हैं। आप पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो एससी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रोशनपुरा चौराहे से ये रवाना हुए हैं सीएम हाउस के घेराव करने के लिए। आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग की रखी है और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एससी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पुलिस से जो है भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह जो एससी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दलित आदिवासियों पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में एससी कांग्रेस आदिवासी दलित पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सीएम घेराव, सीएम आवास घेराव के लिए यहां पर निकले हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जिनसे बातचीत करेंगे। गले में मटकी यहां पर टांगे हुए हैं, जिस तरह से जो दलित समाज के लोगों को पुराने समय पर छूत अछूत भावना के चलते ताड़ित किया जाता था और गले में मटकी टांगी जाती थी, इसी तरह ही कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो गले में मटकी टांगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश बंसल, कार्यालय प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज घेराव? सरकार में जो हम दलित हैं, 70 साल पहले देश आजाद हुआ था, उससे पहले हम अछूत हैं और इसलिए हम अपनी गले में हंडी गाड़ के चल रहे हैं कि हमारे जो दलित भाइयों के साथ, बहन बेटियों के साथ दलित अत्याचार हो रहा है, हम इसलिए गले में हंडी और झाड़ू लगा के चल रहे हैं क्योंकि मोहन सरकार में दलित होना उत्पीड़न है। बहुत रोशनपुरा चौराहे पर आयोजित सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प दिलाया और मुख्यमंत्री पर तीखे हमले किए। कांग्रेस का यह आंदोलन जातिगत गणना और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।